नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। हनुमानगढ़ के नोहर में रेलवे ट्रैक पर मिले शव की पहचान के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने बड़े भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए मर्डर किया, उसके बाद शव को जानबूझकर रेलवे की पटरियों पर डाला ताकि लोग इसे सुसाइड समझे। थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरुका ने बताया कि 16 अप्रैल को रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव नग्न अवस्था में पड़े रहने की सूचना मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पड़ताल की तो जांच में सामने आया कि मृतक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज था। मृतक ने आपसी रंजिश में साल 2007 में एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद वह बरी हो गया। इस पर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। नोहर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। जल्द ही इस मामले में कई और गिरफ्तारियां भी संभावित है। दिनांक 16 अप्रैल को सुबह 6 बजे के आसपास भुकरके के पास रेलवे ट्रैक है, वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति को नग्न अवस्था में मारकर लेटाया हुआ था, इसकी सूचना मिली। सूचना पर मेरे द्वारा मौके पर पहुँचा गया। पहुँचने पर उस मृतक की लाश को हॉस्पिटल रखवा कर उसकी पहचान करने के लिए हरियाणा व राजस्थान के जिलों में RG व मैसेज वगैरह करवाए गए, तो उसके प्रयास से जो मृतक था उसकी पहचान हुई सोनू उर्फ संदीप निवासी खाबड़ा के रूप में। अजमेर जिले के सावर कस्बे में बेतरबीन वाहनों के खड़े करने पर पुलिस ने चालान बनाकर वाहन चालकों पर कार्यवाही की। वहीं सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे के निर्देश पर पुलिस की बस स्टैंड तिराहे पर लगने वाले जाम को लेकर की गई कार्यवाही से हड़कंप मच गया। बता दें कि जाम लगने का सिलसिला आए दिन चलता रहता है, जाम में फंसे लोग आए दिन परेशान होते हैं। इस जाम को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को कई बार शिकायत की, जिसके बाद जाम के मामले को लेकर पुलिस ने बेतरबीन रूप से खड़ा करने वाले वाहनों के चालान बनाए। बांदीकुई शहर में कॉलेज छात्र का अपहरण का मामला सामने आया है। बता दें कि छात्र कॉलेज से घर लौट रहा था, उसी वक्त उसका अपहरण हो गया। जब छात्र का कोई पता नहीं लगा तो उसके परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान काफी लोगों ने मिलकर मामले में जल्द से जल्द छात्र को ढूंढकर उनके परिजनों तक सकुशल पहुंचाने की मांग की। वहीं पुलिस छात्र को ढूंढने के लिए रात दिन प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस ने जिले भर में छात्र की तलाश में नाकेबंदी करवाई है, तो वहीं जिले से लगते अन्य जिलों में भी पुलिस की टीम रवाना की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छात्र को छुड़वा लिया जाएगा। पुलिस हर तकनीक से काम कर रही है। बीकानेर में रेल कर्मियों ने नई पेंशन स्कीम निजीकरण और खाली पदों को नहीं भरने के विरोध किया। इस दौरान नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की ओर से चलाए जा रहे विरोध पखवाड़े के तहत कार्यशाला शाखा पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रेल कर्मियों ने अपनी मांग के समर्थन में जोरदार नारेबाजी भी की, साथ ही कहा कि रेल का निजीकरण नहीं होने देंगे। यदि सरकार ऐसा करती है तो ट्रेनों का चक्का जाम के लिए कर्मचारी तैयार है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमाली ने कहा कि अब सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए बड़ा कदम उठाना ही होगा। सरकार अगर निजीकरण, निगमीकरण और कुछ भी नया कदम उठाती है तो रेल का चक्का जाम करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे NWRU के महामंत्री श्री मुकेश जी माथुर जी के आह्वान पर पूरे जोन में दिनांक 18 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मई 2022 तक केंद्रीय मुद्दे, जोनल लेवल पे मुद्दे और स्थानीय मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन, धरने और जनसंपर्क के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्रांच, एक एक डिवीज़न, सब जगह इस तरह का पूरा जोन में ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, लोकल प्रशासन के मुद्दे हैं। हमारे लोकल प्रशासन में APO साहब का बराबर नियुक्ति नहीं होने से यहाँ के कर्मचारी के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, DF का भुगतान नहीं हो रहा है, यहाँ पानी की समस्या है। जोन के लेवल पर हमारे काफ़ी मुद्दे हैं, वो हमारे मुकेश माथुर साहब इन मुद्दों को हल कर रहे हैं। और हमारी डिमांड है नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। और हमारी रात्रि भत्ता ड्यूटी अलाउंस, जो कि सीलिंग 43,600 रखी गई है, उसको समाप्त किया जाए। और श्रम कानूनों में जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, कर्मचारियों के कोठाराघात किया जा रहा है, ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों के जो भी अधिकार है उनको कटौती नहीं की जाए। हमारी मांग है अब जो सुपरवाइजर SSC महोदय है उनका 4800 और 5400 का जो ग्रेड हो रहा है वो अभी वित्त मंत्रालय में अड़ा हुआ है, उसको हमारी सरकार से मांगे, केंद्रीय सरकार से मांगे कि उसको शीघ्र लागू किया जाए।
गुरुवार सुबह अजमेर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान हादसा हो गया। गांधी भवन पर चौराहा स्थित पुलिया पर क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गई। इस हादसे में कार सवार दो व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस और स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। इस पूरे मामले में पुलिस के साथ ही स्मार्ट सिटी की ओर से भी हादसे के कारण की जांच की जा रही है। तो ना के कोई निकालने के लिए कोई सिक्योरिटी वहां पर कुछ नहीं, उनका ऊपर से लोहा फिसला और लोहा फिसलते ही वो गाड़ी जो क्रेन थी सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर आकर गिरी और मैं इस साइड खिड़की के पास बैठा हुआ था तो मेरे हेड में और शोल्डर पे एंड आर्म्स पे चोट्स लगी है। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। हम जोधपुर जा रहे थे और हम पंजाब से आए थे लुधियाना से और अपना ऑटोमोटिव का काम करते हैं और मार्केटिंग हेड है। विल बी थैंक्स ऑन गॉड्स विल बी एम हैप्पीनेस टू माय लाइफ इज लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग हिम बट दिस इज अ बैड स्ट्रगल्स नॉट एवरीथिंग इज वन नो स्पॉटी फॉर एवरीथिंग दिस गॉड्स। इधर से आ रहे थे, पंजाब से आए हुए हैं, दरगाह से चले थे मत्था टेकने के लिए। हम तो गाड़ी घुमा रहे थे, एक मैं ट्रेन उठा रही थी, एकदम ऊपर पलट गई। हाँ, क्या था एकदम पता नहीं, गाट गुट उठा दे, हम तो जा रहे थे, हमें तो हम रुके थे, बोलते जाओ आप निकल जाओ। अच्छा। एकदम पलट गई ऊपर। लगी है लड़का है एमरजेंसी में। क्या नाम है? करण है, करण जवाहर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल उसमें एमरजेंसी में। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना तहसील के अधिवक्ता विजय सिंह झूरट के साथ घड़साना पुलिस के अमानवीय व्यवहार और मारपीट का विरोध बीकानेर में भी देखने को मिला, जिसके चलते न केवल अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया बल्कि विरोध स्वरूप प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल शर्मा और सभापति आर के दास गुप्ता की अगुवाई में सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि कानून के रक्षकों के साथ ही पुलिस इस प्रकार के व्यवहार करेगी तो आमजन की क्या स्थिति होगी। वकीलों ने मांग की है कि अगर झूरड़ के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और अमानवीय कृत्य के करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाए। वरिष्ठ साथी श्री विजय सिंह झूरड़ के साथ घड़साना पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और पूर्वक शारीरिक यातनाएं दी गई। इस बात की बीकानेर बार एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा और भर्त्सना करती है। आज गंगानगर बार एसोसिएशन बार आह्वान पर हनुमानगढ़ और बीकानेर में सभी अदालतों में अदालतों द्वारा न्यायिक कार्यों का कार्य किया गया है। उसी कड़ी में बीकानेर के अधिवक्ताओं द्वारा भी घड़साना के साथी के साथ हुए अत्याचार के विरोध में एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार अदालतों का किया गया है और आज हम इस माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर समय रहते भाई विजय सिंह झूरड़ पर अत्याचार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। हम लोग गंगानगर जिले के अधिवक्ता साथियों और घड़साना तहसील के अधिवक्ता साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हनुमानगढ़ में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति जिला कलेक्टर नथुआ दिदेल के प्रेरणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ग्राम पंचायत के डो केएनएलजे में किसी भी परिवार में बेटी का जन्म होने पर उसकी मां को आवश्यक पौष्टिक आहार और वितरण करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत दो केएनजे में कुछ दिन पहले ही जन्म लेने वाली बच्ची के घर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया ने शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथियों ने बच्ची के माता पिता को पौष्टिक आहार प्रदान किया, वहीं सूचना देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता रानी का भी सात्वन पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान एडीएम देवठिया ने समिति के इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि समिति की ओर से महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व की निर्वहन किया जा रहा है, उम्मीद है कि ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। पूर्ण आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा प्रसूताओं को आर्थिक सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी क्रम में आज दो केएनजी पंचायत में प्रसूता के घर माननीय एडीएम महोदय पहुँचे और उनकी अध्यक्षता में आज प्रसूता को आर्थिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति
का दृढ़ लक्ष्य है कि समाज सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं अन्य सामाजिक सेवाओं में खूब बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा कोविड के टाइम में भी 350 घरों में किट वितरण की गई खाद्य सामग्री की और बहुत ही सराहनीय कार्य किया जाएगा। आगे संस्था निरंतर कार्य करती रहेगी और सामाजिक और विवाह लड़की के विवाह में भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। अब तक 15 विवाह अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा करवाए जा चुके हैं। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा बच्ची के जन्मोत्सव पे कार्यक्रम किया गया। इस संस्था द्वारा ये बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा गया है जिसके तहत इनके द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाता है और मैं कामना करूंगी इनकी कि ये संस्था आगे भी इसी तरह काम करती रहे और एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है जो इनके द्वारा निर्वहन किया जा रहा है जिसके लिए इनका कोटि कोटि धन्यवाद। किशनगढ़ में राजकीय जिला अस्पताल के निर्दलीय विधायक सुरेश टाक ने 45 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक टाक ने इस दौरान परिषद की कार्यशैली पर प्रश्न उठाए। वहीं परिषद ने फैसिलिटी एरिया में पट्टा जारी करने पर उपकरण अधिकारी और आयुक्त को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव तक राजनीति जनता के निर्णय के बाद जन सेवा कार्य को ही माने। जी आज दोनों ही काम थे। एक्चुअल में तो राजस्थान सरकार की एक बड़ी परिकल्पना स्वास्थ्य मेला जो हर ब्लॉक पे आयोजित किया जा रहा है, इस मेले का उद्देश्य भी यही था कि हम जो आम जनता है उसको जागरूक करें कि सरकार आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, आपकी बीमारियों का इलाज करने के लिए इतनी बड़ी योजनाएं ला रही है, ये घर घर तक पहुँचे। और आज सारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब हैं तो अपना चेकअप भी करा सकते हैं लोग, जितने भी गाँव के लोग आ सकते हैं। हमने सारे सरपंचों को भी फ़ोन किया है, बहुत सारे सरपंचगण भी आए हैं। ये तो एक अनूठा कार्यक्रम राजस्थान सरकार के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के आदेशों से हो रहा है और वो लगातार प्रयासरत है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे राजस्थान प्रदेश में एक माइलस्टोन बने और बन रही है। मैं बहुत सारे लोगों का, एक नहीं बहुत सारे लोगों का ऐसा इलाज करा चुका हूं और इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम और इसके साथ लगा रखी है। मान लीजिए किसी गरीब आदमी का स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कलेक्टर्स को आदेशित कर रखा है, निर्देशित किया हुआ है कि वो तुरंत प्रभाव से उसका इलाज कराने के लिए संबंधित अस्पताल को करे। तो ये एक बहुत बड़ी काम था और इसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी कोइंसिडेंस था कि हमने आज बुधवार था और इस अस्पताल को अच्छा बनाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा भवन, हमारे संसाधन, हमारे डॉक्टर्स बढ़े ताकि हम लोगों का इलाज करें। इसी के साथ हमारे यहाँ पर प्लाज्मा के लिए कोई ब्लड सेपरेटर मशीन नहीं थी पर उसके लिए हमें भवन की आवश्यकता थी तो आज वो भवन बने का शिलान्यास, इस बाउंड्री को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास, एक नया रिसेप्शन क्योंकि अस्पताल परिसर छोटा पड़ने लग गया, बहुत बड़ा आउटडोर की संख्या बढ़ गई तो हम इस जगह को काम में लेके यहाँ पे हम रिसेप्शन बनाना चाह रहे हैं। हमारे वाहन एम्बुलेंस जो आ गए उनकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उनको पार्किंग करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम, जैसे 45 लाख रुपये का जो काम है उसका शिलान्यास किया है और इसका वर्क कम्प्लीशन टाइम क्या है, 3-4 महीने का टाइम है, हम 3 से 4 महीने में इसको पूरा कर देंगे और आम जनता को इस अस्पताल से जितनी बेहतरीन सुविधाएँ दे सकते हैं उतनी देंगे। आज ही मैंने पीडियाट्रिक वार्ड और गायनिक वार्ड में घोषणा की है और पूरा रिसेप्शन पे कि पूरा अस्पताल एयर कंडीशन हो जाए, किसी भी सूरत में कोई भी कमरा कोई भी वार्ड ऐसा नहीं रहे जहाँ पे एयर कंडीशन नहीं हो और हमारे मरीज परेशान होते हो। मैं कोशिश करूँगा, चाहे मुझे भामासाहू के पास से पैसा लेना पड़े चाहे मेरे विधायक मत से देना पड़े, पर मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस तरह की सोच रख रहे हैं उसी सोच को मैं विधानसभा में, मेरी विधानसभा में भी लोगों के सहयोग से और मेरे विधायक फंड से इसको पूरा करके उनको बहुत ज़्यादा सुविधाएँ दिलाऊँ। चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।